जय श्री राम सभी साथियों को। दोस्तों आज देहरादून में मेरा पहला दिन ही समझ लो आप, क्योंकि पहला दिन जो जिस दिन मैं पहुंचा वो दिन तो सोने और खाने में ही निकल गया। तो आज जो है मैं और मेरे पापा मम्मी हम तीनों के तीनों घूमने के लिए जा रहे हैं, और घूमने के लिए एक भैया हैं उनके पास जा रहे हैं, भाई साहब के यहाँ। तो जाते हुए दिखाएंगे कि देहरादून अपना कैसा है। वैसे तो अब तक तो मेरे को जहाँ तक मैंने अपनी आँखों से देखा बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हमारा देहरादून, हमारा पहाड़ यहाँ पे कैसा दिखाई देता है। अच्छा ब्रेक के बाद मिलते हैं, मामी ने हमें भेज दिया है, कह रहे घूम फिर के आओ। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम लोकल ऑटो पकड़ेंगे और सीधे निकलेंगे प्रेम नगर के लिए। तो मम्मी पापा ये रोड क्रॉस करते हुए आ गए, मैं पहले ही आ गया ऑटो वाले को रुकवाने के लिए। ऑटो को रुकवाते हैं तो किस बैल को बजाना होता है बस। भाई बिल्कुल शहर वाली फीलिंग ले रहे हैं यहाँ पर, शहर ही है अपना प्रेम नगर। अब मैजिक पकड़ेंगे, मैजिक मैजिक गाड़ी का नाम है। अब अपनी मम्मी को उससे पहले सबसे आगे का नंबर मिला बैठने का, अभी हम सबसे पीछे बैठे हैं, पीछे बैठ करके जाएंगे यहाँ से। मज़ा आ रहा है, पूरा बारिश का मौसम हो रहा है देखो, और बारिश हो रही है। Welcome to my party, we're just getting started, a life is a dream or... भाई देखो बारिश की वजह से क्या जबरदस्त नदी में उफान आया हुआ है। Nightmare scarring, hand me a drink. दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ के पेड़ पौधे पहाड़। ये देखो क्या जबरदस्त रोड है। तो यहाँ आने का अपना मकसद यही था कि हमें घूमना था, गर्मी से हम परेशान हो गए थे, हमने कहा जाते जाते गर्मी को विदाई देने के लिए हम देहरादून में आ जाएं। रुकने के लिए बोला है हमें और यहीं रुकेंगे हम। ये स्टैंड है पीपल का पेड़, तो यहाँ पे पहुँच गए, हमने थोड़े से केले लिए हैं। एक किलो आ जाओ ताजी मिट्टी मौज में सोगा, दो किलो पचास रुपए। भाई पापा तो अपने दोस्त के साथ बैठ गए, इससे रिक्शा पकड़ लेंगे, क्योंकि पापा को हमने उनके पापा के दोस्त के साथ ही बैठा दिया कि आप बैठ जाओ। अच्छा दोस्त नहीं है, भाई है। चलो भाई है भाई, मैं दोस्त बोल रहा था। जहाँ कहीं कोई ना जाए वहाँ हमारा बैटरी रिक्शा जाए, है भाई बैटरी रिक्शा से जा रहे हैं अब। भाई साहब ने कहा जहाँ जाओगे वहीं छोड़ दूंगा, और उसकी चिंता मत करो। बोले दिल्ली जाना तो दिल्ली ले चलूँगा, बताओ दिल्ली ले चलूँ। जोरदार भाई है बिल्कुल एकदम। और बताओ पंडितों को, जितने पंडित जाके हैं ना सब काले ही मिलेंगे आपको। एक पंडित ऐसा है माँ की कसम खा के भगवान नामकरण हो जाए भाई हम घूम करके आए और अब दोबारा से जा रहे हैं मामा के यहाँ वापसी। अच्छा लगा पूरा रास्ते, और मौसम भी बहुत अच्छा था, और वापसी आ रहे हैं तो भी मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है कहीं कहीं पर। अरे रूबी, हमारे रूबी क्या कर रहे हो भाई?
मामी प्रणाम, मामा प्रणाम, दोबारा से मुलाकात। तो दोस्तों मामी तो कहती कि दोपहर में खाना खाने आ जाना, हमने कहा नहीं खाना तो नहीं खाने आ पाएंगे हम, लेकिन चाय पीने जरूर पहुंच जाएंगे। तो मामी ने वाले तुरंत चाय बना दिया आते ही, ऐसी मामी सबको मिले। थैंक यू। तो जो इतनी सेवा करती है देख लो। तो अब बताओ जाए आए कैसे वापस, दिल्ली आने का मन नहीं कर रहा है। इतनी प्यारी मामी, ठंडा में ऊपर से मामी की सेवा बनाए, ऐसी मामी कहीं नहीं मिलेगी। है अनु सही बोल रहा हूँ ना। मम्मी का मुंगरी खाने का बहुत मन था, तो मामी के लिए हम स्पेशल मुंगरी लेके आए हैं, और मम्मी को भी खानी है। वैसे इसको मक्का बोलते हैं जो, ठीक है। तो अभी मामी इसको गैस में करेगी इसका काम तरीके से। मुंगरी खाने के बाद आज हम वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि कल भी कुछ नई वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो खा पी करके आप भी रहें मस्त, मौज करते रहें जिंदगी भर इसी तरीके से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो इसे क्या करें मामी, लाइक करें। देखा मामी की शालीनता, लाइक करें। लाइक कर देना भाई अगर आपको ये स्माइल पसंद आ गई हो तो। लाइक कर देना और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो ये भुट्टा भी देख रहे हो आप, आपको खिला देंगे जबरदस्ती। बाय बाय।